प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। आज इस कार्यक्रम में हम एक और नए विषय पर बात करेंगे, एक और नए एपिसोड में हमारे विद्वान वक्ता के साथ। आपकी रिएक्शंस बराबर मिल रही हैं, भेजते रहिए हमको निरंतर। आज का हमारा विषय है एक कहावत जो है, लोकोक्ति है, खग जाने खग की ही भाषा। यानी जो पक्षी है वही पक्षी की भाषा को समझता है। अब यहाँ खग शब्द का ही प्रयोग क्यों किया गया, ये भी एक प्रश्न मेरे मन में आता है। इस तरह की कहावत क्यों नहीं बनी कि मनुष्य ही जाने मनुष्य की भाषा। क्या मनुष्य में कुछ जटिलताएं हैं, खग यानी पक्षी योनि में वो जटिलताएं नहीं हैं, और खग जाने खग की ही भाषा। तो इसमें ये भी हमें समझ में आता है कि वो अपनी आपस में जो भी उनकी इच्छा है, जिस तरह की उनकी पीड़ा है, जो उनकी व्यथा है, वो सब भी आपस में व्यक्त हो जाती है, आपस में एक दूसरे से वो कह सुन लेते हैं। हालांकि हमारे मनुष्य प्रजाति के लिए भी एक कहावत है कि जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। अब ये बात तो वही कह रही है कि भाई पहले आपको पीड़ा हो तब आप दूसरे की पीड़ा को समझो, लेकिन इसके विरुद्ध अनेक उदाहरण हैं। पीड़ित व्यक्ति पर उत्पीड़क भी बन जाता है। इसीलिए शायद खग जाने खग की ही भाषा कहा गया है क्या, कि पक्षियों में या पशुओं में जानवरों में कम से कम ये बात तो नहीं है। जितना मनुष्य मनुष्य को नुकसान पहुंचाता है, लड़ते पशु भी हैं पक्षी भी हैं, लेकिन वो एक दूसरे की निर्मम हत्या नहीं करते। हिरण और हिरण आपस में सींग उलझाकर खूब लड़ते हैं, चोटिल भी होते हैं, लेकिन मारने तक एक दूसरे को निर्ममता पूर्वक युद्ध नहीं करते। कुछ पशु हैं जो इस हद तक भी जाते हैं, कुछ जानवर हैं जो इस दिशा में भी बढ़ते हैं। पक्षियों में भी क्रूरता की कुछ गाथाएं मिल सकती हैं, लेकिन खग जाने खग की ही भाषा। मनुष्य से भी इस चर्चा का संबंध तो है। क्या ये मनुष्य पर कटाक्ष करती हुई कोई उक्ति है, क्या ये मनुष्य को कुछ समझाती और सिखाती हुई कोई उक्ति है? और एक दूसरे की भाषा को समझना, एक तो भाषा हम शाब्दिक अर्थ से ये समझ लेते हैं, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप हिंदी समझते हैं, आप समझ रहे हैं, लेकिन क्या यही संवाद है? नहीं, इसके परे बहुत कुछ है जो मेरे चेहरे पर है अंकित, जिसको पढ़ने के लिए कुछ अलग उपकरण लगते हैं। नहीं नहीं ये शरद जी प्रसन्न दिख रहे हैं लेकिन लग नहीं रहे, अंदर कुछ चल रहा है, अंतर्द्वंद्व, कोई पीड़ा तो नहीं है, इनको पूछ लें। हमने सब चाय रख दी, मिठाई रख दी, बिस्किट रख दिया, नमकीन रख दिया, हो सकता है इनका पेट ना ठीक हो। क्या खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ मनुष्यता में इस संदर्भ में है? कई प्रश्न हैं, बड़े दिलचस्प प्रश्न हैं, लेकिन जानेंगे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी से। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। आज का विषय बड़ा अलग तरह का है। आप तो आज जी बड़ा अच्छा विषय चक्र लेकर आए हैं, और आपके विषय चक्र को लेकर मुझे लगता है कि आज जो है आप हम सत्संग की मुद्रा में आ जाएं जी, इस शब्द की मीमांसा का बड़ा आनंद ले लें। पहले तो मैं आपको बताऊं, उपात चक्र की व्यवस्था में उपनिषदों में खा की बड़ी महत्ता बताई गई है। खा शब्द ब्रह्म का प्रतीक है। खा, अब खा कैसे, खा का अर्थ होता है आकाश, इसलिए खग का अर्थ होता है जो वहां विचरण करने वाले होते हैं। वाह वाह, एक अर्थ नहीं सुंदर समझ। वाह, खा का अर्थ होता है आकाश और खग का अर्थ होता है उसमें विचरण करने वाले, तो वो खग कहलाते हैं। इसलिए पक्षी उनका आकाश से सीधा संबंध होता है। अब यहाँ देखिए, उपनिषद खा को ब्रह्म मानता है, निराकार ब्रह्म खा। उपनिषदों में अनेक कथाएं आती है कि खा को देखो, समझो उसे, निराकार ब्रह्म है खा, निराकार आकाश की तरह। गा का अर्थ है ज्ञान,
गा का अर्थ है ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान का धनी हो जाता है वो खग है। तो एक ब्रह्म ज्ञानी दूसरे ब्रह्म ज्ञानी की भाषा जान सकता है, क्योंकि उसके जीवन में मैंने भी निराकार ब्रह्म को जान लिया है, उसने भी निराकार ब्रह्म को जान लिया है। पक्षी के जीवन में आडंबर नहीं होता, पक्षी के जीवन में आडंबर नहीं होता। हर पक्षी का एक घरौंदा ही होता है, घोंसला, प्रकृति की गोद में कहीं बना कर रखते हैं वो अपना घोंसला। उनके आय नहीं रहता कि तेरी इमारत लाल रंग की, मेरी इमारत पीले रंग की। पक्षी पक्षी हैं। ठीक बात है। पक्षी के पास संभाषण करने के लिए सरगम होता है, उनके शब्दों में एक स्वर निकलता है, उन स्वर के आधार पर एक दूसरे को अनुभूति करते हैं। सरहदें भी नहीं होती। हाँ, कुछ नहीं, ये यूक्रेन का है, ये रशिया का है, कोई अर्थ ही नहीं है। पक्षी पक्षी है क्योंकि वो खग है ना, खग है, खग है, निराकार, आकाश की कोई सीमा नहीं। इसका अर्थ बहुत सारे लोग इस रूप में ले लेते हैं कि किसी ठग की भाषा ठग ही समझ सकता है, इसको वहाँ भी उपयोग करते हैं, खग जाने खग ही की भाषा। उसका अर्थ होता है, अच्छा तुम्हारे मन में कोई खोट है तो एक खोटा आदमी दूसरे खोटे आदमी को अच्छे समझ सकता है। लेकिन ये हमारे मुहावरों का दुर्भाग्य है कि हम उनकी गूढ़ता को नहीं समझ सकते। मेरा तो ये मानना है कि किसी ब्रह्मऋषि की परिकल्पनाओं में निकला होगा, तभी तो बाबा तुलसी ने इस शब्द का उपयोग किया है, खग जाने खग ही की भाषा। जब खग खग की भाषा जान जाता है तो संशय विहग उड़ाव निहारो हो जाता है, फिर जीवन से सारे संशय खत्म हो जाते हैं। इस चौपाई की मूलता में निहित है कि पक्षियों के राजा खगराज गरुड़ जी संशय में पड़ गए। गरुड़ जी का वेग, गरुड़ जी का स्वरूप, गरुड़ जी की गति, गरुड़ जी के पंखों की महिमा इतनी अपरम पार है कि त्रिलोक जानता है। मन की अनंत गति से, वायु की गति से, अनंत तीव्रता से जो दौड़ सकते हैं वो गरुड़ है, गरुड़, वो गरुड़ मेरे परमात्मा का वाहन है। मेरे परमात्मा उस पर बैठते हैं, जब उनके पंख हिलते हैं तो वेद की ध्वनि होती है, वो है खगराय। उनके जीवन में भी संशय आ गया तो उनके संशय का समाधान कौन करे? वो अपनी शंका लेकर शिवजी के पास पहुंचते हैं, जिनके हृदय में विद्यमान है परमात्मा। वो सोचते हैं इनके मन में तो मानस है, तो यही मुझे इस मनोरोग से मुक्त कर सकते हैं। वो उनके पास पहुंचते हैं, शिवजी कहते हैं, अरे ये इसी विषय पर तो मैं सुनकर आया हूं, किन से? खग से। खगराय, तुम्हारे किसी खग से मैं सुनकर आया हूं। और वो वहां क्या बनकर गए थे? शिव जी जब गए उन्होंने भी खग का स्वरूप ही लिया था। जब शिव जी खग की सभा में गए, जहां एक खग जो काग था, काग जिसे काग भुसुंडी कहते हैं, भुसुंडी शर्मा जो है गुरु के प्रताप से अजर अमर अनादि अखंड स्वरूप में कौवा बन गए, वो तो प्रसन्न है गुरु के साथ में, वो साकार निराकार पर तर्क वितर्क कर रहे थे, बार बार राम की कथा गुरु सुना रहे थे, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। वो कह रहे थे राम ये कि राम वो, अगर राम वो है तो फिर ये कौन है? ये कौन? तो भगत पच्छ हट कर रहो वो दीन महामुनि श्राप, और हरि दुर्लभ पर पद पाया हूँ देखा हूँ भजन प्रताप। वो तो खाली काँव 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 करके भजन का अर्थ ही होता है, आप एक जैसा बोलते रहिए जो भी बोल रहे हैं। तो उस भजन से भव सागर पार होने का तंत्र पार कर लिया। तो जब गुरुदेव को प्रणाम करके ऊपर आकाश में उड़ने लगे खग बनकर, तो गुरुदेव को कहा, गुरुदेव मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ, आपने बड़ी परम कृपा की जो मुझे काग बना दिया। गुरुदेव ने कहा, अरे मूढ़, तू काग बन गया है, उच्चिष्ट पक्षी, जूठा खाएगा, लोग तुझे अपने घर में घुसने नहीं देंगे, पितरों को जब कुछ देना होगा तभी बुलाएंगे, बाकी कौवा अच्छा शुभता का पक्षी नहीं होता, तो फिर भी तू आनंद में क्यों है? बोले गुरुदेव, जब राम श्याम बालक बनकर आएंगे इस संसार चक्र में तो उनके आंगन में जाकर बैठूंगा, उनका जूठन खा के अपना जीवन संवारूंगा, उनका दर्शन करूंगा। मैं ब्रह्म को जान गए, ज्ञान मिल गया, किसका? खा का। तो गुरुदेव प्रसन्न हुए, तो बोले आहा, तुझे अब दिव्य दृष्टि मिल गई, जा अनादि अखंड, प्रलय के बाद भी तू रहेगा। तो उनकी सभा में राम कथा सुनने के लिए शिवजी भी जाते हैं नित्य,
तो शिवजी कैसे जाएं? खग जाने, खग ही की भाषा, बिना खग के जाओगे तो कैसे मालूम चलेगा? क्योंकि मनुष्य के जीवन में चपलता है, मनुष्य की वाणी में मिथ्यापन है, मनुष्य की वाणी में बनावट है, मनुष्य शब्द की पूजा करना छोड़ चुका है। मनुष्यों ने शब्द ब्रह्म का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए शुरू कर दिया है। ब्रह्म अक्षर समुद्भुवम, वो शब्द जो रस उत्पन्न कर रहा था, जिससे आनंद की अनुभूति हो जाती, इससे अच्छा तो वो शब्द की पूजा करता और मौन हो जाता, तो उसके जीवन में खगता आ जाती, उसके जीवन में शब्दों ने ठगता ला दी है। उसके जीवन में ठगनी के चक्कर में हो गया, माया ठगनी के। तो मेरे परमात्मा जब जाते हैं उस सभा में तो क्या बनकर जाते हैं? हंस बनकर जाते हैं। शिवजी हंस बनकर बैठे हुए हैं कागों की सभा में, जहां वो सारे काग जो बड़े ऋषि मुनि और तपस्वी हैं, जिन्होंने खा को जानने के लिए ज्ञान प्राप्त किया है, खग बनकर आए हुए हैं, उनकी सभा में बैठकर राम कथा का रसपान करते हैं शिवजी। वो राम कथा जो शिवजी ने स्वयं सुनाई है भुसुंडी शर्मा को। लेकिन ध्यान रखना, वक्ता यदि हमेशा वक्ता बना रहे तो रास्ता खो देता है। वक्ता को श्रोता बनने का अभ्यास करना चाहिए। मेरे शिव से महान वक्ता कोई नहीं है, लेकिन वो श्रोता बने रहते हैं हर समय। जहां राम कथा होती श्रोता बनकर पहुंच जाते हैं। तो आप देखिए, वो कहते हैं अभी अभी मैं कथा सुनकर आ रहा हूं, तुम्हारे संशय का समाधान खगराए पक्षियों के राजा। भाई खा का अर्थ ब्रह्म होता है, अब ब्रह्म को ही जो उठाए घूमता हुआ होगा वही तो खगराए होगा ना, ब्रह्म उसके पास ही है, फिर भी संशय उसके जीवन में आया है, तब भी उसके जीवन में मानस रोग उत्पन्न हो गया है। वो कहते हैं जाओ तुम, तो वो पहुंचता है काग भुसुंड जी के पास। काग भुसुंड जी देखते हैं राजा आए हैं मेरे, पक्षियों के खड़े हो जाते हैं, अरे अरे नहीं आप ही बैठो। बोले मेरे जीवन में मुझे संशय रूपी सर्प ने दस दिया है। अब गरुड़ जी और सोच में पड़ जाते हैं, जिनका आहार है सर्प उनको डस दिया है। यहां दो बातें, खग जाने खग ही की बात। आप इसमें देखिए, इसमें कितना आनंद है। गरुड़ जी कहते हैं कि सुनो, मुझे सर्प ने डस लिया है, तुम अपनी गरुड़ी विद्या से मुझे ठीक करो। गरुड़ी विद्या कौन? खग, काग देगा। यानी वो कह रहे हैं तुम गरुड़ हो जाओ और वो गरुड़ी विद्या से मुझे सर्प के दोष से मुक्त करो, क्योंकि मैं अब क्या हो गया हूं? खग हो गया, अब खगराय नहीं हूं। जब हम अपना स्वरूप त्याग देते हैं, जब हम अपना अभिमान त्याग देते हैं, जब हम अपने सारे विकारों से मुक्त हो जाते हैं, तब तो उन्नत आकाश में बिना पंख हिलाए उड़ने लग जाते हैं। खग का और स्वरूप है, ध्यान रखिए, जब तक पंख जो उड़ाता है तो पक्षी कहलाता है, और जब ऊपर गगन में जाकर पंख खोल देता है अपना, तब वो खग कहलाता है मूल रूप से, ध्यान रखिएगा। जब वो हवाओं के अंतरिक्ष सचराचर के स्पर्श में वायुमंडल के उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां वो अपने दोनों पंख फैला देता है और हवा के सहारे उड़ने लगता है, तब वो वास्तविक अर्थों में खग होता है। तब तक वो पक्षी होता है जो पंख चलाता है। तो पक्षी से खग बन गए। तो जब वो उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा आपको सर्प ने दस लिया। बोले संशय रूपी सर्प ने मुझे दस लिया है। प्रसंग वही था कि चूंकि वो इनको राम लक्ष्मण को जो है वो सर्प शत्रु बाण चलाया था उन्होंने, तो सर्पों ने जकड़ लिया था, तो उस बाण के प्रभाव से चारों तरफ सर्प कस रहे थे उनको और उनका विष चढ़ रहा था, और हनुमान जी उनको लेने गए थे, लाए वहाँ युद्ध भूमि में, और वहाँ लाकर उनसे कहा कि आप गरुड़ हैं, अपनी विद्या से इन सर्पों के जहर को निकालिए। परमात्मा लीला कर रहे हैं, परमात्मा लीला करने आते हैं, ध्यान रखिएगा। हम लोग नाटक करते हैं, परमात्मा लीला करते हैं। नाटक और लीला में अंतर क्या है? लीला अनुसरण के लिए होती है। वाह, परमात्मा जो कुछ करते हैं उसको करने के लिए। परमात्मा भी तो अभिनय कर रहे हैं, परमात्मा भी तो संसार सृष्टि में आपको बताने ही आए हैं कि जब तुम्हारे जीवन में दुख आए तब तुम क्या करो, जब तुम्हारे जीवन में कष्ट आए तब तुम क्या करो, जब तुम्हारे जीवन में सुख वैभव आए तो क्या करो। परमात्मा उस स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। तो परमात्मा की लीला में वो उन्हें सर्पशत से मुक्त तो करते हैं, उनके विश्व मुक्त तो कर देते हैं,
लेकिन वहाँ उनके दिमाग में संशय आ जाता है कि जो शेषनाग में शयन करते हैं, जो शेषशायी हैं, जिस शेष ने पृथ्वी को उठा रखा है, अगर ये उनके अवतार हैं तो फिर शेष ने इनको कैसे, सर्पों का विष इनको कैसे लग गया। तो जैसे ही वो रंग करे हु गर्भतर भारी कृपा सिंधु मन दिखे बेचारी, वो कहते हैं ये तो रोग लग गया। नारद जी कहते हैं भैया सावधान, ये रोग लगा है तुम्हें। तो बोले क्या करें, तो बोले वहाँ जाओ। बोले वहाँ क्या होगा, तो वो कहते हैं राम कथा सुंदर कर तारी, ताली बजाइए। कौन सी ताली? एक ताली श्रद्धा की, एक ताली विश्वास की, एक ताली शिव की, एक ताली पार्वती की। भवानी शंकरों वंदो श्रद्धा विश्वास रूपणों। तो ताली बजाने से क्या होगा, संशय बिहग उड़ाओ निहारी, फिर संशय रूपी वो बिहग जो है उड़ जाएंगे, भग जाएंगे। तो फिर आप क्या बन जाएंगे, खग, ब्रह्म को जानने वाले आपके अंतर चित्त में। तो वो कहते हैं वहां जाओ। तब वहां उनको मनोरोग पर वो अनेक अनेक प्रश्न करते हैं जो मानस में रामचरितमानस के उत्तर कांड में वर्णित है, जिसमें मानस रोगों की औषधि के लिए 7 प्रश्न वो करते हैं, और वहां उनके सारे प्रश्नों का समाधान वो करते हैं। अंतर चित्त में उनके सारे संशय उड़ जाते हैं, और जब जाने लगते हैं तो वो कहते हैं कि आपने अपनी परम गारुड़ी विद्या से मुझे इस सर्प के भयंकर दोष से मुक्त कर दिया। सर्प का जहर तो उतार आए थे ठाकुर जी के पास से, लेकिन चढ़ा आए थे अपने पास। हमारे जीवन में भी यही होता है कि हम पर उपदेश कुशल बहुतेरे बने रहते हैं, हम दूसरे को तो उपदेश दे देते हैं, दूसरे को तो समाधान का रास्ता बता देते हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो समस्याएँ बनी रहती है। तो जब हम अपना समाधान ढूंढ लेते हैं तब हम खग हो जाते हैं, और एक खग दूसरे खग को जानता है, तब कहीं हमें हंस स्वरूप शास्त्र रूपी शिव की प्राप्ति हो जाती है, और तब हमें काकभूषुंडी जी के मुखारविंद से परमात्मा की कृपा का आनंद मिलने लगता है, और तब हमारे अंतर मन में गरुड़ से काग बनने की विधा आ जाती है। तब अभिमान तिरोहित हो जाता है और हम स्वाभिमान और आनंदवान में स्थापित हो जाते हैं। यही है खग जाने खग की ही भाषा। देखिए बड़े निहितार्थ हैं जिनको ग्रहण अपनी अपनी आस्था श्रद्धा अनुसार किया जा सकता है। सनातन परंपरा का आनंद यही है, ये कथा सुनाकर छोड़ देती है, अनंत व्याख्याओं के लिए खोल देती है आपको, जो भी श्रोता है आप इसमें से नीर क्षीर विवेक से जो चाहे वो चुन लें। और जैसा मनुष्य का स्वभाव है कि हम दोनों ही चीज़ें चुनते हैं, तो यहाँ भी आप देखिए कि गारुणी विद्या किससे मिल रही है, पक्षीराज को, खगराय गरुण को, किससे मिल रही है, काग से, कौए से। आपके हमारे जीवन में भी ये दुविधा कई बार आती है कि दुविधा आई, संशय रूपी सर्प ने हमें डस लिया, लेकिन हम पद ओहदे में बड़े व्यक्ति के पास ही जाना पसंद करते हैं। अगर कोई कह दे कि संस्थान का जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है नंदलाल, चले जाइए उसके पास, अरे बड़ा बड़ा ज्ञानी है साहब। और नंदलाल हैं भी, लेकिन आप क्लास वन अधिकारी हैं, नंदलाल चतुर्थ श्रेणी हैं। लेकिन यहाँ देखिए कि विधाता की लीला कि वो गरुण जो अपनी पीठ पर भगवान विष्णु को बिठाते हैं, उनका संशय इतना गहरा जाता है। और है भी प्रश्न सही कि शेष नाग के साक्षात प्रतीक खुद बंधे पड़े हैं सर्पों से, क्यों न दुविधा आए कि भाई ये तो खुद शेष नाग हैं, पृथ्वी का भार अपने फन पर लेकर चल रहे हैं, और यही डावाडोल हैं, यही जमीन पर सर्पों से आबद्ध गिरे हैं। लेकिन इस दुविधा के लिए सबने उनको यही समाधान सुझाया कि काकभूषुंडी जी के पास जाइए। यानी ज्ञान के लिए कभी छोटे बड़े में उलझना नहीं है, हर जगह है ज्ञान। इसीलिए ये जो कर्ण हैं, जो चतुर हैं, जो ज्ञान के प्रति आग्रही हैं, वो एक छोटे बच्चे से लेकर, चाइल्ड इज़ अ फादर ऑफ मैनकाइंड, किसी विद्वान ने कितनी सुंदर बात की, एक बच्चा भी कई बार ऐसी टिप्पणी कर देता है कि आपके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं,
एक भिक्षुक भी कई बार ऐसी बात कर देता है, एक भिखारी भी कई बार ये टिप्पणी कर देता है कि आपको लगता है जीवन दर्शन आप सामने आ गया, आपकी पत्नी, आपका पुत्र, आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आपका सारथी, आपका घरेलू सहायक, अनुचर, सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा है। लेकिन क्या आपको गारुणी विद्या के लिए बहुत बड़े बड़े ही नाम चाहिए? बहुत सुंदर गोस्वामी जी, बड़ा आनंद आया जी। यहाँ एक और आपके बोलने पर मुझे एक चिंतन मेरे दिमाग में आया था कि जब आप खग की भाषा समझने लग जाते हैं, जब आप निराकार और अनंत ब्रह्म की अनुभूति करने लग जाते हैं, जब आपके जीवन से संशय मुक्त हो जाता है, तब आपके जीवन में एक बड़ी विचित्र घटना घटती है और आपको दुर्गम जो है सुगम लगने लगता है। कैसा बाबा बड़ा सुंदर लिख रहे हैं, आप देखिए बाबा लिखते हैं अतिविचित्र, अतिविचित्र शब्द लगाते हैं, अतिविचित्र रघुपति चरित्र। तो गरुड़ जी कहते हैं अतिविचित्र निगम नेत शिव ध्यान न आया आवा और माया अमृगते पीछे धावा। वाह, बोले ध्यान रखिए, निगम नेति नेति कह रहे हैं, वेद पुराण पुकार रहे हैं, उनको नहीं मिल रहे हैं। बोले वो कहा है माया अमृगते पीछे धावा। बोले और सहज श्वास श्रुत जिमचारी, चारों श्रुति वेद पुराण जिनके सहज श्वास में है और वो क्या कर रहे हैं, सहज श्वास जिम श्रुतचारी तो उनके पास है और वो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं गुरुजी के आश्रम में जाके आस अनार काफी कमल पढ़ रहे हैं वहां पर सहजता से। बोले ये अति विचित्र, अति विचित्र रघुपति चरित। फिर जाना ही परम सुजान, सही बात। देखिए आपको यदि सुजान बनना है तो खग को खग की भाषा समझनी होगी। और जे मति मंद विमोह वस मी विमोह हृदय धरो कछुआन, उन्होंने जब तक वो गरुड़ थे तब तक उनको मोह रूपी संशय सर्प ने जकड़ लिया था, और जब वो खग बन गए, खग राय से खग हो गए, तो खग की भाषा समझ गए और परमात्मा की अनुभूति करने लगे। और यहाँ बड़ा अच्छा चिंतन कौंधा मन में कि मानस में ये राम ही तो हैं जो खग हैं, केवट के पास हैं तो केवट की भाषा समझ रहे हैं, शबरी के पास हैं तो शबरी के राम हो गए, गिलहरी जब कह रही है कि मैं अकिंचन भी कोई योगदान दूंगी तो उसको भी स्नेह से अपनी हथेली पर लेकर उस पर भी हाथ फेर रहे हैं, बोले हाँ तुम रेत के कुछ कण ही डालो। और जब वानरों से मिल रहे हैं, जब वानरों के अधिपति होकर हनुमान ब्राह्मण स्वरूप में आ रहे हैं तो हनुमान को भी समझ रहे हैं, सुग्रीव जब अपनी पीड़ा कह रहे हैं कि राम उस अतुलित बलशाली बाली को क्या मार पाओगे, उसको भी समझ रहे हैं, विभीषण जब तिरस्कृत अपमानित होकर आ रहे हैं तो उनको भी समझ रहे हैं, रावण के कुटुंब की पीड़ा को भी समझ रहे हैं। खग जाने खग की ही भाषा, खग की भाषा जानना यानी अपने संशय से मुक्त होना, और मुक्त होने के लिए विभेदों से मुक्त होना। अपने भेद मिटा दिए हैं राम ने, वो जहाँ हैं जैसे हैं वैसे ही हो जाते हैं, इसीलिए वो राम है। आनंद आ गया गोस्वामी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।